ईद मुबारक अगेन। ईद मुबारक आपको भी। और अब जिधर हम हैं मैं यही कह सकता हूँ कि इरशाद तो सिंस गालिब की यहाँ पे तस्वीर रखी है, एक शेर याद आया, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। मूविंग ऑन, केमिस्ट्री कैसे फॉर्म होती है? मतलब पीपल हैव केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन और दे डोंट हैव केमिस्ट्री, एक तो केमिस्ट्री होती क्या है ये भी बता दें कि होती क्या है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट, मुझे खुद नहीं पता। हाँ, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है तो शायद फिजिक्स के साथ आपने केमिस्ट्री भी पढ़ी हो, मगर होती क्या है कि आप हुमायूं के साथ या फात के साथ यू जस्ट डू बेटर, अब वो शाहरुख का जोल हो या सलमान और कैटरीना हो या जो भी हो, ये हम जैसे लोगों को तो नहीं अंदाजा कि क्या होता है ऑन स्क्रीन, जो मैजिक होता है वी लाइक इट, तो ये होता क्या है और बिहाइंड द स्क्रीन क्या होता है? बिहाइंड द स्क्रीन बिल्कुल ऐसी होता है जैसे हम लोग शूट कर रहे हैं, कैमराज होते हैं, लाइट्स होती हैं, आपकी लाइंस होती हैं जो आपने डिलीवर करनी होती हैं, एक सीन होता है जो परफॉर्म करना होता है। व्हाट रियली हेल्प्स, मुझे नहीं पता ये केमिस्ट्री के उसमें जिम्रे में आता है या नहीं, लेकिन जब आप साथ काम, आई हैव बीन लकी इनफ कि जितने लोगों के साथ मैंने काम किया, जितने मेरे को एक्टर्स हैं, वी वर्क टुगेदर एंड मेक द सीन एंड मेक द फिल्म, हमारे अंदर ये नहीं होता कि अब मैं इसको बताता हूँ, अभी मेरे सोलो तो आए ना जरा तो मैं खा जाऊं, या मैं ये सोचूं कि मैं तो आज जो है ना छा जाऊंगी, ऐसा नहीं है। यू आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर, यू आर वर्किंग टुगेदर ऑन समथिंग, और उसमें ऑफकोर्स आप डायलॉग्स बोल रहे होते हैं, वो बस कुछ होता है। डैनियल डे लुइस, रॉबर्ट डी नीरो, डिकैप्रियो, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये तीन अलग जनरेशन के, स्ट्रीप, ऑफकोर्स जनरेशन, ये मैंने तीन चार जनरेशन के आपने मैंने नाम लिए हैं एक्टर्स के। These are method actors. A method actor वो होता है जो ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा वो एक ही रोल बन जाता है। अब अगर तीन महीने फिल्म चल रही हो तो तीन चार महीने वही बंदा बन जाता है, उसको वो कहता है कि मुझे इसी नाम से पुकारो, वो वही खाने खाता है, वो वैसी दाढ़ी रख लेता है, वो वैसी हेयर स्टाइल रख लेता है। मैं तो खैर हेयर स्टाइल मेरा एक ही है, मगर उस हिसाब से आप वो करती हैं या यू आर Obviously, हम उस एक्सट्रीम पे तो नहीं जाते जैसे डैनियल डे लुइस और लियोनार्डो डिकैप्रियो और मेरिल स्ट्रीप। द थिंग इज कैरेक्टर में तो चले जाते हैं, इफ यू आर सेंसिटिव, इफ यू आर इमोशनल, इफ यू आर लिविंग दैट रोल, क्योंकि वो दिमाग में मुसलसल, इवन व्हेन आई एम स्लीपिंग, दिस इज द रीजन जिसकी वजह से मैं एक साल में एक फिल्म करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उस कैरेक्टर को के साथ जस्टिस करूँ, अनडिवाइडेड अटेंशन दूँ, एंड आई कैन फोकस ऑन इट कम्प्लीटली। तो इजी फॉर मी टू ब्रेक away from that as well, it depends. This is when I bring in the billi. To break ki baat hai yaar, I have to ask ek to item number kyun, item number kaise, item number kahan, I didn't know you could move like that, manager. How do you explain that? Pakistani audiences, item number controversial sawal hai, controversial item hai. How would you explain okay. that? पहली बात तो ये कि आइटम नंबर्स ये टर्म हमने जो डिराइव की बॉलीवुड से, बट हमारी इंडस्ट्री में ये कोई नई चीज नहीं है, इट्स नथिंग न्यू इन आवर इंडस्ट्री, इट्स बीन गोइंग ऑन सिंस इयर्स, और द सॉन्ग इंटरमिशन टाइप चीज भी होती है, देयर शुड बी अ कोरिलेशन टू इट, ऐसे नहीं कि अचानक आ गए और एक जगह डांस शुरू हो गया। बिल्ली में ऐसे भी होते हैं, बट बिल्ली में देयर वाज अ रीजन, देयर वाज अ सिचुएशन जहां पे वो फॉल करता है, and it was a huge risk but a calculated risk, it could have backfired. Girl next door image, the dramas that I was doing at that time, usse pehle main dramas karti thi, and being a household name, beti, bahu, you know all those characters, but it was something different from all of that, it was a leap, a huge leap. Ghar walon ne kaise respond, I took permission from them when it came up to me, this offer came up to me, aisa nahi ki maine foran jaake acha bas main to taiyar ho gayi maine karna hai, I had to think it through, maine bada socha, boundary set ki and permission li apni family se, and they allowed me to do it, they could trust my judgment, maine make sure kiya ki meri team jo hai, it should not look vulgar, aur sabko ko wo yaad hai, aur it's a great song, maine abhi suna, maine pehle nahi dekha tha, maine pehle suna tha, dekha nahi tha, maine actually is interview ko prepare karne ke liye dekha, and it's a great song, but another question, awards, do kisam ke log hain duniya mein,
पीपल हु बिलीव इन अवार्ड्स एंड पीपल हु डोंट बिलीव इन अवार्ड्स. हाँ, एक आमिर खान कहते हैं बकवास ऐसी ऐसे. अच्छा, दूसरे फिर द रेस्ट ऑफ दम आप किधर लाइक करती हैं, बिकॉज आपने अवार्ड सेरेमनीज की हैं, अटेंड की हैं, रिसीव किए अवार्ड्स, बट अब रिसेंटली आपने एक मेजर अवार्ड सेरेमनी नहीं की. तो वो मेजर अवार्ड सेरेमनी मैंने सिवाय एक दफा के कभी नहीं की. मगर आप बिलीव करती हैं, वो छोड़े कि आपने किया नहीं किया. मुझे बताएं कि आप किधर हैं, वेयर डू यू लाई कि ये अवार्ड बकवास है. बकवास नहीं है, ऑफ कोर्स इस तरह तो वही वाली बात होगी कि जो मेरी फिल्म को अवार्ड्स मिले हैं और सब कुछ हुआ है, देन आई एम गोइंग अगेंस्ट इट. नो, इट्स ग्रेट, इट्स अ गुड बूस्ट, आपको अच्छा लगता है, यू फील ग्रेट, बट इट्स नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल. मेरे लिए अवार्ड्स इतने देखें, एक अवार्ड की लाइफ, आपने अवार्ड जीता, वाह द स्टार फॉर अ वीक, एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए जो एक्चुअल अवार्ड है और रिवॉर्ड है, दैट इज द लव ऑफ द पीपल फॉर मी, दैट्स माई अचीवमेंट. ओके, Now, speaking of achievements, ना मालूम अफराद कभी पीछे पड़े आपके? नहीं नहीं, because that was a brilliant branding, great, great concept, great movie. मगर coming back, हर चीज जो है आप कर रही हैं, timely है, interesting है, उसके play of words बड़ा interesting है. अभी आपका load wedding निकलने वाला है. जी हाँ, क्योंकि load shedding ज्यादा हो रही है. तो tell us about that, उसमें क्या हो रहा है? Okay, it's my fifth pe. It's again something very different. मेरा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें जिसके लिए मैंने काफी हम लुक पे भी काम किया, साथ साथ डायलेक्ट पे भी काम किया. काफी आप टैन हो गई थी. जी जी जी, वी वर शूटिंग इन दस का घड़तल एंड इन पूरा पंजाब में हमने शूट किया. बिल्कुल है, लाचा वाचा पहना नहीं, लाचा नहीं पहना, बट घेर वाली शलवार है. और काफी अच्छी फील है, बड़ा ऑर्गेनिक है, बड़ा रियल है. आपको इस तरह का पंजाब मैंने तो खुद पहली बार देखा है. कमिंग बैक, अभी जो आपने बात की, मोनोटनी अच्छी नहीं है. बिल्कुल नहीं है. आई एग्री बाय द वे, हम भी महाज हर हफ्ते उल्टी सीधी कुछ नया है ना, कुछ इंटरेस्टिंग. यू हैव टू, मगर हम तो खैर एक ही काम करते हैं जो जाके रिपोर्ट करते हैं, बट आप बहुत सारे काम करते हैं. यू सिंग, अभी मैं आपसे सुनूंगा, बाय द वे नॉट गेटिंग ऑफ दैट चीप. ठीक है, बिल्कुल ही अलग है. इवन दो सब एक्टिंग है, एक्टिंग के सब सेट्स हैं, राइट. थिएटर का अलग ही डायनामिक अलग है, फिल्म का अलग है, टीवी का अलग है. That's a lot of skills. ये जो आपकी जो आई डोंट वॉन्ट टू से कॉम्पिटिशन है, दैट्स द रॉन्ग वर्ड, मगर आपकी जो कंटेम्प्रेरीज हैं और एक्ट्रेसेस और लीडिंग लेडीज और खवातीन, ये इंटिमिडेट या नहीं होती या होती हैं, क्या होता है इनके साथ, कैसी रिलेशनशिप है? जब मिलते हैं तो बड़ा आई बिलीव इन वुमेन हु एम्पावर ईच अदर, एंड ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे देख के मुंह मोड़ लिया. नहीं, आई हैव नेवर फेल्ट दैट, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट. एक्टर इन लॉ माई फिल्म वॉज, अब हम बात करते हैं सेक्शुअल हरासमेंट की, बट 2016 दिस फिल्म एंड माई कैरेक्टर मीनू स्क्रूवाला, हु इज अ पारसी गर्ल, इट वॉज, जिसमें मैं उससे कहती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है, मैं तो पता नहीं पहनती इसलिए मुझे लोग घूरते हैं. शी इज पारसी, शी टॉक्स लाइक दैट. शी सेज चलो मेरे साथ. सो दे गो टू, इट वॉज अ वेरी फनी सीन. तो देन आई एम लाइक, क्या हुआ, तुम्हारे बुरके ने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया. प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं है, प्रॉब्लम दिमाग में है, इसे ठीक करना पड़ेगा. सो द थिंग इज, इट्स वेदर यू वेयर बुरका, यू डू नॉट वेयर बुरका, इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट यू शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड और जज्ड बेस्ड ऑन योर क्लोदिंग और इवन हरेस्ड. ज़ैनब, वॉज शी अब्यूज्ड बिकॉज ऑफ वॉट शी वो? इट्स द मेंटेलिटी, इट कम्स डाउन टू द मेंटेलिटी ऑफ सम मेन, विच वी नीड टू वर्क ऑन. ज़ैनब एक बहुत लोडेड टॉपिक है, मगर आई नो इट्स ईद एंड यू नो, और मैं मूव ऑन करूंगा ज़ैनब से. बट द होल थिंग इज, जो बात करने का मेरा जो था मकसद, वो यही है कि इट कम्स डाउन टू द मेंटेलिटी. तो फिर कर ही लेते हैं बात, ठीक है, कर ही लेते हैं. आई बी वेरी ऑनेस्ट, कार्ड्स ऑन द टेबल, अली जफर इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, हमने उसके साथ पिछली ईद पे महाज किया था. ग्रेट गाय, ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, स्टैंडिंग बाय हिम. Don't know Misha Shafi. I have no idea. Respect for her as well, because she's a great professional. I've heard great things about her. ठीक है? अब आप इस सिचुएशन को देखती हैं, ये जो हो गई है, दो आइकॉन्स हैं दोनों, दोनों वेल रिस्पेक्टेड, दोनों स्टार्स हैं, और दोनों के जो दोस्त हैं, यार हैं, जानने वाले हैं, कॉलीग्स हैं, दोनों, they stand by them.
अनफॉर्चुनेटली एक लाइन बीच में लग गई है, एक ड्रॉट बीच में लग गई है। एक तो पहले आपसे पूछूंगा कि आप उस लाइन की कौन सी साइड पे हैं, और दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा कि हुआ क्या है, ये क्या मूवमेंट है, ये मीटू में क्या हो रहा है। मीटू में हो ही रहा है कि पीपल वुमेन आर स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स, दे आर स्पीकिंग अप, बिल्कुल है। दोनों बहुत बड़े स्टार्स हैं, दोनों के साथ मैंने मीशा के साथ आई डिड अ शूट, अली के साथ मैंने कमर्शियल किया था, दोनों बहुत प्रोफेशनल, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटीज। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में आई वुड हैव डेल्ट डिफरेंटली। ओ बॉय, ही वुड हैव नोन, राइट? तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो हुज राइट एंड हुज रॉन्ग, आई एम नॉट द जज हियर। और ये लीगली भी मसला सॉल्व हो रहा है, विच इज ग्रेट, हम पढ़े लिखे लोगों की तरह इस मसले को हल कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक आई वुड हैव डेल्ट डिफरेंटली विद इट, विद द होल सिचुएशन। हाउ? हैवंट यू सीन जवानी फिर नहीं आनी का आखिरी सीन, आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। जिन्होंने देखा है, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई हैव अ फीलिंग कि इसमें स्पेड इन्वॉल्व होती है। जी 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 जी। नॉट टू से कि एनीबॉडी डिड एनीथिंग, वी आर नॉट, इट्स स्टिल, इट्स स्टिल। हाउ कैन आई नो कि कितनी क्या डिटेल है, इन डेप्थ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, एंड एक पूरी एक। मगर आप कैटेगोरिकली कह रही हैं, जो मुझे समझ आ रही है कि आप ट्विटर पे या फेसबुक पे हैशटैग, आई वुड हैव डेल्ट विद हिम पर्सनली एंड टोल्ड हिम दैट, बिकॉज़ बोथ आर, देखें, या तो एक ऐसी सिचुएशन हो जहां एक लड़की है जो कि कुछ नहीं कर सकती, जिसके पास कोई और रास्ता नहीं है, वो शायद सोशल मीडिया का सहारा ले, और एंड द मैन इज मच मोर पावरफुल एंड सीनियर एंड यू नो अनटचेबल, तो शायद थोड़ी सी वो डायमेंशन ऐसी है कि शी हैड नो अदर चॉइस। आई डोंट नो कि व्हाट मीशा वेंट थ्रू, मस्ट हैव। देखें, एक लड़की जब कहती है ना कि मेरे साथ कुछ हुआ है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। ऑफ कोर्स, बहुत बड़ी बात है। तो आई एम श्योर शी इज नॉट डूइंग इट फॉर फेम और पब्लिसिटी, शी इज अ स्टार। मे बी आई डोंट नो हुज राइट एंड हुज रॉन्ग, बट आई थिंक द तरीका could have been different, it could have been dealt in a different way. I hope whoever is right should get the justice, and I hope they solve this issue. Lekin it does not pareshan lag rahi hai, pareshan ho gayi, because it's a sensitive issue. Sexual harassment is not koi mazak nahi hai, and being a girl I know ke harassment everyone faces, every kid, chahe wo ladka ho ya ladki ho, bade hote hue aap harassment face karte hain. I have been fortunate enough कि मेरी माँ ने जो है वो मुझे हमेशा एक different तरीके, एक शीशी, I grew up around strong women, and that's why मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। I know what to do, I know how to handle situations, but बहुत सारी लड़कियाँ जिनको नहीं है। ये जो industry है globally, इसमें एक term है which is called the casting couch. अब उसकी अलग अलग manifestations हैं, उसमें कभी कभी आप voluntarily to use it, टू गो अप द लैडर आप करते हैं, और कभी कभी आपको सब्जेक्ट किया जाता है, आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इवन हार्वी वाइनस्टीन को देखें तो आपको रेप किया जाता है, ठीक है? कास्टिंग काउच की बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है, किसी ने नहीं सोचा था साल पहले कि हॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर विल टर्न आउट टू बी अ वुल्फ, राइट? वुल्व्स आर एवरीवेयर, एंड आई थिंक, देखें, not all men are evil, not all women are pious, right? Har dimensions hain, jo bhi hai, reasons hain, lekin I think this is the right time for women to speak up and make this heard ke no more room for wolves anymore. Wolves har jagah hain, hamari industry mein bhi hain, hamare mulk mein hain, aur sirf hamare mulk mein, industry mein nahi, puri duniya mein hain. They exist, it's a fact, but we should be more head on and deal with it. Heavy topic, moving on. Ek aur heavy topic, India. Ab aapne recently by the way, you caught my attention because of this, right? Ye isliye ho raha hai kyunki aapne ek takreer ki. Aajkal takreeron ka mahol hai, election hone wale hain, magar ye election ke liye nahi ladi, ye kisi party mein abhi tak inhone join nahi ki. Inhone ek aur takreer ki ji, wo takreer unhone khade hoke दुबई में की, उस तकरीर में उन्होंने, इंडियन ऑडियंसेस भी थी, यूएई की ऑडियंसेस भी थी, पाकिस्तान की ऑडियंसेस भी थी, ऐसे, और उन्होंने जाके ठीक ठाक एक काफी लोडेड किस्म की प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट दी, जो बाय द वे बहुत हमारे जो स्टार्स होते हैं फेंस सिटर्स होते हैं ना, वो पोजीशन नहीं लेते इंडिया पे, बिकॉज शायद द कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू लुक्रेटिव एंड द रिलेशनशिप्स आर टू इम्पोर्टेंट, मगर आपने एक क्लियर पोजीशन ली
पाकिस्तानी सिनेमा पे बमुकाबला इंडियन सिनेमा पे, और आपने कहा कि हिस्ट्री क्लियरली जो हुआ है, जो हमारी तारीख है 70 साल, वो रास्ते में आई है, वो आएगी, और हमें इक्वालिटी के बेसिस पे करना चाहिए। जैसे तुम लोगों की फिल्में हम देखते हैं, वैसी हमारी फिल्में तुम लोगों को देखनी चाहिए। और अजीब सी बात है, बल्कि शर्मनाक बात है कि हमें एक न्यूट्रल वेन्यू पे मिलना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो हाइपर नेशनलिज्म है ये अलाउ नहीं करता कि या हम तुम्हारी जगह मिलें या हमारी जगह मिलें। तो ये तो आपने काफी सियासी किस्म की है, आपने तो बहुत ही लोडेड किस्म की इंडिया को सुना दिया।